Hello everyone, so I will welcome you all on this channel of mine with a new poem that is Breaking Out by Marge Pearcy. Okay, so this is the poem where we learn about the rebellious act of a person. ठीक है कि कई बार ऐसा होता है कि यू नो लाइक जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें यू नो बदतमीज या इंसॉलेंट समझ लिया जाता है, बट दैट इज नॉट द थिंग. Sometimes you have to raise your voice. So this is being depicted in this poem. So let's start the poem. My first political act. I'm seeing two doors that usually stood open, leaning together like gossips, making a closet of their corner. और ये first time ये जो मार्च पीएससी हैं बता रही हैं कि कैसे जो first time है इन्होंने अपना rebellious act किया था. तो अभी ये यू नो डिपिक्ट कर रही हैं कि शी इज सीइंग टू डोर्स दैट यूजुअली स्टूड ओपन. अब ये अपने घर का दरवाजा देख रही हैं और जो दो दरवाजे हैं वो खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अपने में बात कर रहे हैं और किनारे पे घर के कोने में वो खड़े हैं. ऑफकोर्स आप जानते हैं या तो घर के कोने या तो घर के स्टार्टिंग में दरवाजे होते हैं, तो दो दरवाजे हैं. तो व्हाट शी इज सेइंग कि जो दोनों डोर्स हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने में गॉसिप कर रहे हैं, सीक्रेट बात कर रहे हैं. क्लोजेस्ट ऑफ द इकोनॉमी अपने में सीक्रेट बात कर रहे हैं. अ मैंगल स्टूड देयर फॉर आयरन. मैंगल इज हियर इज ड्राइंग मशीन फॉर क्लोथ्स. तो अब यू नो अपने सब पहले घर का सब नरेट कर रही हैं कि वो गेट के बाद फिर वो देखती हैं कि एक मैंगल पड़ा. वो मैंगल मीन्स क्या होता है, ड्राइंग मशीन फॉर क्लोथ्स होता है जिससे क्लोथ को ड्राई किया जा रहा है. एंड देन फॉर आयरनिंग वट एवर आई नेवर थॉट नीडेड. और इन्हें ये लगता है कि जब कपड़े को सुखा दिया गया तो आयरन करने की क्या जरूरत है. हमारे यू नो लाइक बहुत ऐसे लोग हैं जो यू नो बिना आयरन के कपड़े नहीं पहनते, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ आयरनिंग, बिकॉज नाउ अ डेज पीपल आर वेयरिंग सो सच अ टाइट क्लोथ कि जब आपके शरीर में वो जाएगा अपने आप ही वो यू नो लाइक कहते हैं ना एकदम अच्छे से बैठ जाएगा. सो देर इज नो नीड ऑफ आयरनिंग, फ्यू पीपल थिंक लाइक दैट. सो शी सेइंग द सेम दैट फॉर आई डोंट यू नो नेवर थॉट दैट लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ ironing the clothes. Sheets, towels, my father's underwear. अब ये कहते हैं कि मतलब और कपड़े तो ठीक भी है लेकिन चादर, तौलिया या फिर मेरे पापा का अंडरवियर ये सब तो आयरन करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो छोटी से छोटी चीज आयरन करते हैं. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ यू नो लाइक फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं उसे आयरन करते हैं, अदरवाइज जो घर पे पहना रहता है उसे आयरन नहीं करते हैं. सो द सेम इज बींग मैंशनड हियर कि लाइक इनके घर में क्या हो रहा है, एक एक चीज आयरन हो रहा है. मीन चादर टू चादर इनके पापा का अंडरवियर तक यू नो आयरन हो रहा है. देन एज आई टोल्ड यू कि अपने घर क्या नरेट कर रही हैं, वट एवर थिंग्स आर देयर. फर्स्टली उन्होंने डोर का नरेशन किया, देन अबाउट द ड्राइंग मशीन, एंड नाउ शी इज मेंशनिंग द वैक्यूम क्लीनर. एन अपराइट वैक्यूम विद इट्स स्टफ्ड सॉसेज बैग. सॉसेज बैग मीन्स जिसमें सब डस्ट भरता है. That deflated with gusty. Deflated means क्या होता है, फूज यू नो लाइक gusty sound, जो roaring sound है उसके वजह से वो लग रहा है, एक बार पिचक रहा है और फिर वो फूल जा रहा है. Sigh as if weary of housework as I. और क्या होता है कि जिस तरह से housework से मैं थक जा रही हूँ वैसे ही ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से vacuum cleaner एकदम पिचक चुका है. Deflate और inflate में of course you know the difference. So तो जिस तरह से रोरिंग साउंड करते करते वो पिचक चुका है, ऐसा लग रहा है कि वो भी थक चुका है जिस तरह मैं थक चुके हैं. वेरी मीन टायर्ड. हुज स्वोर आई वुड नेवर डस्ट और स्वीप आफ्टर आई लेफ्ट होम. और मुझे लगता था कि मैं कभी भी मुझे ये झाड़ू पोछा तो कभी नहीं करना पड़ेगा. हु हेटेड टू सी माई मदर रिमूविंग डेली द स्लज द एयर ले डाउन लाइक अ स्नेल ट्रैप. और फिर वो क्या कहती हैं कि मैं क्या हेट करती थी अपने मॉम का, डेली एक ही तरह रोज का रूटीन उनका है काम करने का, उसमें जो भी गंदगी होता था वैक्यूम क्लीनर के सॉसेज बैग में उसे धीरे धीरे स्नेल ट्रैक क्यों एकदम धीरे धीरे यू नो लाइक नहीं कहते हैं कि उनका रूटीन है वैसा. ऑफकोर्स अगर मैं करने गई तो मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी, लेकिन उनका एक रूटीन बन चुका है तो एकदम धीरे धीरे उसको साफ सफाई करेंगी. सो देयरफॉर हाउ मच दोस रूटीन इज मेंशनड एज स्नेल ट्रैक. Then moving to the next stanza. Till then I need to tell you कि इसमें यही डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से यू नो जो मार्च पीओसी हैं ये दिखाना चाहती हैं कि जो हमारे लाइफ में खासकर कि जो हाउस होल्ड लेडीज होती हैं दे हैव यू नो दे आर
fully, you know, back up with the routine from day to night कि उन्हें ये करना है और they are used to it और इतना ज़्यादा used to it हो जाती हैं वो कि they are lost in that complete world and they think that this is the only world which in which they have to stay forever. Going to the next stanza. So that when in the school I read of Sisyphus. Now what who was Sisyphus? सिसिफस की स्टोरी ये है कि एक राजा रहते हैं जिनको यू नो जो वॉर में हार गए रहते हैं और फिर उन्हें पनिशमेंट के तौर पे यही दिया जाता है कि वो तब तक यू नो तभी तक जिंदा रहेंगे जब तक वो एक यू नो पहाड़ पे एक पत्थर रहता बहुत बड़ा उसको रोल करते रहेंगे और वो ऐसा ही रोल करते थे और फिर जैसे ही टॉप तक पहुंचने वाले थे तो वहां से फिर जो सोल्जर्स होते थे फिर उनका मतलब यू नो पत्थर गिरा देते थे अगेन वो उसी पत्थर को नीचे लेके आते थे फिर उसे ऊपर लेके जाते थे और अब जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो अपने लाइफ में वही करते रहेगा. अब देखिए सिसिफस के यहाँ पे मेंशन इसलिए है कि द सेम इज व्हाट हर मदर इज डूइंग और वो क्या करती हैं यही करती रहती हैं कि दिन भर जब तक वो मर नहीं जाएंगी तब तक ऑफकोर्स वो सिर्फ वही सब काम करेंगी खाना बनाना खिलाना पिलाना सुलाना घर साफ करना जो उनके रूटीन में एक तरह से मेंशन हो चुका है शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है उस तरह से वो हमेशा सिसिफस की तरह ही काम करती रहेंगी. So that when in school I read of Sisyphus and his rock, it was her I thought of, how so I scrubbing on raw knees as a factory rained ash. और वो क्या अपने मम्मी तो क्या मेंशन करती हैं कि वो एक हाउसवाइफ हैं जो कि अपने रॉ नीज जैसे कि घुटने पे ऑफकोर्स सब लोग घुटने पे झुक के पोछा लगाते हैं और क्योंकि अगल बगल क्या पता कोई फैक्ट्री होगी जिसके ऐशेज जिसके यू नो ऐशेज धूल मिट्टी सब आ जाती है और वो रोज पोछे लगाती हैं. सो इन द सेम वे वो सिसिफस से कंपेयर करती हैं अपनी मम्मी को कि सिसिफस जिस तरह अपना रॉक डेली ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करता था वैसे ही मेरी मम्मी रोज इस फैक्ट्री के ऐश को पोछा लगाती हैं घर के सारे काम करती हैं और हाउस होल्ड ड्यूटीज को करती हैं एज अ रूटीन. नेक्स्ट इज टॉकिंग ऑफ द हॉब नॉबिंग. नाउ स्टॉक इज बर्ड एंड हॉब नॉबिंग इज एसोसिएटिंग फैमिलियरली. डोर्स वॉज अ वुडन यार्ड स्टिक डस्टी विथ चॉक मार्क्स फ्रॉम हेम्स राइज एंड फॉल. और जो अब फिर से यू नो डोर पे आ जाती हैं कि जिस तरह से डोर पे ऐसा लगता है ना कि बर्ड्स करके बैठती हैं जो उनके लिए फेमिलियर हो जाता है और कई यू नो आपने देखा होगा अगर खासकर कि टेलर से कंपैरिजन इसमें किया गया है कि अगर आपके घर में कोई टेलर है तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग चॉक्स रखे रहते हैं कि जब आपका कोई भी आएगा कस्टमर तो उसको नापने के लिए उसकी हाइट वगैरह नापने के लिए चॉक से निशान लगाया जाता है एक स्केल पे वुडन स्केल पे. So that is being mentioned over here. Next, when I had been judged truly wicked, that stick was the tool of punishment. और वो क्या कहती हैं? अब वो यहाँ से शुरू करती हैं जो main story है. अभी तक तो वो सिर्फ narration कर रही थी, but जो इसका main theme था breaking out वाला, अब यहाँ से start होता है. And that is कि जब भी मैं you know कोई गलत काम करती थी, मेरे खिलाफ कोई complaint आता था. That stick was the tool of punishment. So as I told you, कि जो stick जिससे you know वो चौक से mark किया जाता है, wooden stick होता है, तो वही stick क्या होता था इनके punishment का tool बन जाता था. मतलब वो इसी से पिटाई जाती थी. I was beaten as I billowed like a locomotive. Locomotive means इधर से उधर उछलना. मतलब कि बहुत तेज से मैं चलाती थी और इधर से उधर उछलती थी, फिर भी मुझे उससे मारा जाता था. As if noise could ward off blows. और मैं बिलोड मीन्स क्या था लाउड रोज. अब मैं इतना तेज से चिल्लाती थी एज इफ मतलब ऐसा लगता था कि शायद चिल्लाने से जो चोटें हैं जो यू नो छड़ी की उस स्टिक की चोटें हैं वो शायद कम होंगी बट स्टिल मुझे पड़ती ही थी. माई मदर वील्डेड इट मोर फियर्सली. मेरी मम्मी बहुत तेज से करती थी लेकिन मेरे जो फादर थे वो बहुत देर तक भी पीटते थे और बहुत ज्यादा भी पीटते थे. मतलब कि ये दोनों अपने मम्मी और पापा से पिटाया करती थी जब भी बदमाशियां करती थी. आई वुड ट्विस्ट माई हेड इन द मिरर टू इंस्पेक्ट. और जब मैं पिटा जाती थी तो मैं क्या करती थी अपने चेहरे को मिरर की तरफ घुमाती थी और देखती थी कि आई वुड स्टडी दोज रेड एंड ब्लू माउंटेन रेंजेस एज ऑन अ मैप दैट ऑफवर्ड एस्केप. और जैसे एक मैप पे दिखाया जाता है अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को दिखाया जाता है ना रेड और ब्लू से रेड से कुछ और डिपिक्ट किया जाता है ब्लू से माउंटेन्स डिपिक्ट किया जाता है सीज डिपिक्ट किया जाता है. वैसे ही जब ये देखती हैं अपने आप को तो इनको पूरे शरीर पे जहां जहां कहीं सूज गया रहता है कहीं लाल हुआ रहता है कहीं ब्लू हुआ रहता है नीला पड़ गया रहता है
फिट आने की वजह से, तो वैसे ही कहती है कि एकदम सेम वैसे ही लगता है जैसे कि एक मैप पे रेड और ब्लू माउंटेन्स का डिपिक्शन होता है, इन द सेम वे मेरे भी शरीर पे वैसे रेड और ब्लू के निशान बन गए होते हैं। द वेन्स एंड आर्टरीज द रोड्स आई कुड ट्रेवल टू फ्रीडम व्हेन आई ग्रीव। और जो वेन्स और आर्टरीज ऑफकोर्स कई नशे भी दिखने लगती हैं चोट वोट खाने की वजह से, तो उन्हें लगता है कि यही वो रास्ता है जिससे अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो जाऊंगी। When I was 11, after a beating, I took the ruler and smashed it into kindling. अब क्या करती हैं? कहती हैं कि यही जो first time है जो ये अपने वसूलों के stereotypes से breakout करती हैं, and that is कि जब वो 11 साल की थी और वो मार खा रही थी, उस मार खाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस रूलर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। Fingering the splinters, I could not believe. और जब मैंने उसके splinter मतलब छोटे छोटे टुकड़े देखे तो मुझे लगा ही नहीं कि मतलब ये हाउ कुड दिस रॉड प्रूफ बी फॉर देम। और जब मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े अपने हाथों में उठाया तो मुझे लगा कि जिस रॉड से मेरे ऊपर पहाड़ जैसे निशान बन जाते थे, वो रॉड इतना वीक निकला कि मैंने उसको एक झटके में तोड़ दिया, इतने टुकड़ों में तोड़ दिया। इट वॉज नॉट दैट आई वॉज नेवर अगेन बीटन, बट इन डिस्ट्रॉइंग दैट स्टिक दैट हैड मेजर्ड माई पेन, द नेक्स्ट डे आई वॉज एन एडोलेसेंट नॉट अ चाइल्ड। तो कहती हैं कि ऐसा नहीं कि 11 साल के बाद मैं पिटाई नहीं, मैं उसके बाद भी कई बार पिटाई, लेकिन वो पहली बार था जब मुझे ये लगा कि मैं एक बच्ची से एक एडोलेसेंट बन गई, एक एडल्ट बन गई। सो व्हाट इज बीइंग शोन है, अक्सर हमारे स्कूल्स में ये एग्जांपल दिया जाता है हाथी वाला, कि जब वो हाथी बहुत छोटा होता है उसे नॉर्मल एक सीकर से बांध दिया जाता है, वो कितनी भी कोशिश करता है उसे निकल नहीं पाता। अब वही हाथी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आप सिंपल एक छोटे से रस्सी से भी बांध दो तो खुद ही उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो बचपन में जितनी बार उसने कोशिश की वो उसमें से निकल नहीं पाता, क्योंकि पहले तो वो एक्सटर्नली केज्ड था, उसके बाद धीरे 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 वो इंटरनली भी केज्ड हो गया। द सेम थिंग इज बीइंग डिपिक्टेड हियर, कि किस तरह से एक छोटे से पतले से स्टिक से पिटाती थी और उन्हें लगता था कि वो इतना मजबूत स्टिक है कि उनके शरीर पे माउंटेन्स तक उगा दे रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा उन लड़की ने, तो क्या होता है उसे ये लगता है कि क्या इतनी छोटी स्टिक से मुझे इतनी मार पड़ती थी और क्या ये स्टिक इतनी वीक थी। और जब उन्होंने उसको तोड़ दिया तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब वो बच्ची नहीं रही, अब वो एक एडल्ट बन चुकी है। This is not a tale of innocence lost, but power gained. और यही सबसे इसमें powerful line यही है कि ये जो कहानी है that doesn't mean कि इनका जो innocence है ये खत्म हो चुका है, लेकिन इस कहानी का असली मतलब ये है कि इनके अंदर अब power आ चुकी है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की power आ चुकी है, rebellious attitude इनके अंदर आ चुका है। अगर आप कल को अपने वॉइस रेज करते हैं फॉर एनीथिंग रॉन्ग बीइंग डन टू यू, दैट डजंट मीन कि आप गलत जा रहे हैं या फिर आप बदतमीज हो गए या फिर आप इनसॉलेंट हो गए हैं, बट दैट ओनली मीन्स दैट यू हैव गेन्ड दैट पावर टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग एंड द राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम ब्रेकिंग आउट एंड दिस इज द ओनली मोरल ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज आई वुड नॉट बी सिसिफस, देयर वर थिंग्स दैट आई शुड लर्न टू ब्रेक। और वो क्या कहती हैं कि मैं सिसिफस कभी नहीं बनना चाहूंगी, यही जो लास्ट स्टेंजा है इसका सबसे पावरफुल लाइन स्टेंजा या फिर वी कैन से द वर्डिंग्स आर देयर कि मैं सिसिफस कभी नहीं बन सकती कि मैं जिंदगी भर मरते दम तक एक पत्थर पे इधर से उधर घुमाती रहूं। आई विल लर्न सो मेनी थिंग्स टू ब्रेक। और यहाँ पे सिर्फ एक स्टिक को ब्रेक करने का नहीं बताया गया है, यहाँ पे स्टिक से रेफर किया गया है ऑल दोज स्टीरियोटाइप्स things which are made for different categories, different genders, different castes, different sexes. So all those things which are there in this world, in this society, these are the things which are told about here, ki un cheezon ko inko break karna aana chahiye, break karna seekhna chahiye. Aur jitni bhi cheezein galat hoti hain, aapko uske khilaf rebellious attitude lana padega, otherwise you will be always looked down by different people of society or whatever it is, like even your family. If you're not a person who speaks on different matters or on serious matters, they would consider you as a like stupid dumbo, as if like you are not even present over there, you don't have any presence in your family.
But when you start speaking, sometimes surely your relatives at least would think that you have gone to a next level, you are a bad person, you are insolent or whatever it is like that. But that doesn't mean ki you are like that. But that means that you know the difference between wrong and right and you can raise your voice about that. So this was all about the poem Breaking Out. Thank you so much. To like, comment and subscribe to the channel.